हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेडीज़ कुर्ती की कटिंग यानी सूट की कटिंग। पिछले वीडियो हमने इसकी पटियाला सलवार की कटिंग बताई थी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी सूट की कटिंग बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं एक सलवार सूट की कटिंग कैसे होती है, समीज की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है। तो इसमें हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहते हैं कि जो नए जो सीखने वाले हैं वो नहीं जान पाते हैं, वो उल्टा सीधा यानी सही से कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी एम्ब्रॉयडरियाँ हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि हमको सलवार की समीज कुर्ती की लंबाई कम बनाना होता है, तो हमको नीचे भी कटिंग करने से क्या होता है, डिजाइन कट जाती है और ये जो बॉर्डर है ये भी सही से बैठ नहीं पाता है, और यहाँ गले का डिजाइन भी नहीं कटिंग करना है। तो इसमें क्या करना है कि जो कि मतलब ज़्यादा लंबाई इसकी कम हो सके। तो जैसा कि इस कुर्ती की लंबाई जो है वो 37 इंच है, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से अगर हम नाप लेते हैं तो आप देख सकते हैं 37 यहाँ तक आ जा रहा है। अब ये बॉर्डर का जो है लंबाई है वो बड़ा हो जा रहा है, जिसको हमको क्या करना है, जो ये बॉर्डर है कभी कभी इसमें ऐसी सिलाइयाँ होती है कि जो कि आप यह बॉर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस बॉर्डर को हम इस तरह से निकाल देते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर जो है ये डिजाइन निकल चुका है। अब ये डिजाइन क्या है कि इसमें 3 इंच डिजाइन है, इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको अब इसमें क्या करना है हमको, अब फिर से हमको 37 इंच इसकी लंबाई ले लेना है। तो यहाँ से हम इसको 37 इंच लंबाई लेंगे। अब देखते हैं कितना लंबाई आ रहा है यहाँ गले से। अब इसको हम देखते हैं यहाँ से लगभग ये 37 इंची आ रहा है। तो फिलहाल हमें इसको हमको इसमें 3 इंची माइनस करना है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ 3 इंची इसको हम इसको निशान लगा कर कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे, इसके बाद फिर हम मेजरमेंट सही से निकालेंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये जो गला है पहले कटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गला इतना अगर कटिंग करेंगे तो ज़्यादा गला बड़ा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब इसमें ऐसे क्या करना है आपको कि इसको पहले गला नहीं कटिंग करना है। इसमें आप चाहें तो कोई डिजाइन बना सकते हैं अच्छे से, तो वो बेटर दिखता है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे ही सिंपल कटिंग करेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना आपको कटिंग करना है। तो इसको अब सेंटर में घड़ी करना है। सबसे पहले आपको फ्रेंड निकाल लेना है, क्योंकि इसको साइड में जो स्पिन है वो बरोबर उसमें एडजस्ट हो जाता है। और चूंकि हम यहाँ जो है इसको हम पहले 3 इंची हम यहाँ से इसको मेजरमेंट निकाल कर कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको लंबाई इसकी 37 इंची है, तो यहाँ से हम इसमें 37 इंची इसको कटिंग करेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच पर इसको कटिंग कर देते हैं। तो ये अब इतना निकाल लेंगे तो हमारा जो लंबाई है वो हम ज्वाइंट कर देंगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं, अब ये बरोबर हो जाएगा। अब इस पर जब हम ये लेस इधर लगा देंगे तो ये बरोबर इस तरह से ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये लंबाई परफेक्ट आ जाएगी और ये डिजाइन भी रह जाएगा और गले का भी डिजाइन रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कटिंग करना है आपको। तो अब यहाँ से हम मेजरमेंट निकालेंगे इसकी, और यहाँ हमको देखना है गले जो है उसको बरोबर घड़ी कर लेना है अच्छे से। तो इस तरह से आप इसको सबसे पहले अच्छे से घड़ी कर लीजिए, चूंकि यह जो है वो सेंटर में बरोबर इसका होना चाहिए, ये जो डिजाइन है वो सेंटर में होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, मेजरमेंट की लंबाई निकालना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ जो है इसको थोड़ा सा इसको कपड़े को निकाल लेना है आपको। अब ये बरोबर हो गया है, अब हमको इसमें मेजरमेंट निकालना है। जैसा कि शोल्डर इसको हमको 13 इंच रखना है, क्योंकि ये फुल आस्तीन का है तो शोल्डर यहाँ हम 13 इंच रख देते हैं। और यहाँ जो है आधा इंची हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि इसका जो आर्म होल है वो 7 इंच है, तो हम यहाँ से इसको 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको एक लाइन खींच देते हैं।
और इसका जो चेस्ट है वो 16 इंच है। यहाँ हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से कमर की लंबाई हम लेंगे 14 इंच इस तरह से, और यहाँ से हम इसको 15 इंच पर निशान लगाएंगे एक। तो यहाँ से चाकी कटिंग होगा। अब यहाँ भी हमको, जैसा कि हमने यहाँ 16 इंच ही रखा है, यहाँ भी हमको 16 इंच रखना है। और इसका बॉटम जो है वो है 18 इंच, तो यहाँ से हम इसको 20 इंच 10 इंच पर निशान लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो फोल्ड साइड में होगा वो भी जाना इसमें इसी में कपड़े में आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से एक आर्म होल के लिए हम यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा इसको हम क्रॉस करेंगे हल्का सा आधा इंची। तो यहाँ से हम आर्म होल का निशान कर देते हैं इसको। अब यहाँ से आपको राउंड वाला मेजरमेंट लेना है, मेजर स्केल लेना है आपको। इस तरह से आप यहाँ से इसको निशान लगा सकते हैं, और यहाँ से इस तरह से इसको, और यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सीधा निशान लगा देते हैं। यहाँ से ये निशान लग गया। अब यहाँ से हमको क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट से, यहाँ से हमको मेजरमेंट से ज़्यादा कटिंग करना है इस तरह से। तो अब यहाँ से हम हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस करेंगे, और यहाँ से हम इसको कटिंग कर देते हैं। और यहाँ से मार्जिन लेकर हमको कटिंग करते जाना है। अब यहाँ से हमको सीधा कटिंग करना है। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर दिया है, और यहाँ हमको एक कट मार देना निशान का, जो फोल्ड करना है इस तरह से। अब इसमें गला आप चाहें तो आप कोई भी डिजाइन इसमें निकाल सकते हैं, तो हम एक डिजाइन इसमें निकाल देते हैं गले की। तो हमने एक इसमें सिंपल सा डिजाइन गला कटिंग कर दिया है, आप अपने हिसाब से चाहे जो भी गला बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने इसको फ्रंट को कटिंग कर दिया। अब हमको क्या करना है कि इसी के ऊपर रख करके हमको बैक की कटिंग करना है, और इसके बाद आस्तीन की कटिंग। आस्तीन कैसे कटिंग करना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आस्तीन हमेशा फिटिंग कटिंग करना है। तो ये था बैक का कपड़ा, क्योंकि जो डिजाइन वाले कपड़े होते हैं उसमें बैक और फ्रंट के लिए कपड़े अलग अलग आते हैं। तो अब इसको हम क्या करना है, इसको हमको उतना ही घड़ी करना है जितना हमको आवश्यकता है। तो इस तरह से हम इसको घड़ी कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम इसमें अब इसको मेजरमेंट आपको निकाल लेना है कि आपको कितना रखना है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें रखना है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फ्रंट को रखेंगे। आपको साइड वाला कपड़ा साइड में रखना है, एक साइड में रखना है, ताकि आपको जो लंबी आस्तीन है वह निकल जाए इसमें आसानी से। तो इसको हम इस पर घड़ी करेंगे अच्छे से। अब जैसा कि हमने इस पर रख दिया है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये जो थोड़ा सा कपड़ा है उसको हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं, और शोल्डर की जो शोल्डर है आपका उतना रख लीजिए, 13 इंच हमने यहाँ निशान लगाया। और यहाँ से हम हल्का सेव कर देते हैं सीधा सीधा इस तरह से ऐसे। तो अब इसी पर हमको इसको कटिंग कर लेना है, और मार्जिन रख कर रखें। अब इसमें बैग में जो भी गला आपको निकालना है, चाहे गोल गला आप कटिंग करें या कोई और गला कटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको कोई डिजाइन कटिंग करना है तो कोई डिजाइन भी कटिंग कर सकते हैं आप। तो इस तरह से इसको आप कटिंग कर लीजिए। अब इसमें क्या करना है, अब आपको आस्तीन की जो अब आस्तीन के लिए आपको कपड़ा भरपूर मिल जाएगा, जितना लंबा इसको आस्तीन आप चाहेंगे उतना लंबा आपको कपड़ा मिल जाता है। तो इसमें हम इसको अब यहाँ से इसको हम घड़ी कर लेते हैं आस्तीन के लिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा क्रॉस रखना है हल्का सा, इसमें भी आपको थोड़ा सा मार्जिन रखना है कपड़े में आस्तीन के लिए। अब यह हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं।
अब यहाँ जो है वो आस्तीन में थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रॉस खींचना है, जैसा कि इसकी आस्तीन की लंबाई जो है वो 19 इंच है, यहाँ हम निशान लगाते हैं। थोड़ा फोल्ड के लिए हम यहाँ कपड़ा छोड़ देते हैं। इसका जो मोहरी है वो 9 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाते हैं। थोड़ा सा इसको 1 इंची हम मार्जिन के लिए रखते हैं। और इसकी आर्म होल की जो चौड़ाई है उसकी 7 इंच है आस्तीन की, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमको मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन लिए आप निकाल सकते हैं कपड़े। तो अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 2.5 इंची हम यहाँ मार्जिन रखेंगे, फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से इसको राउंड कर देते हैं। अब ये जो है हमको स्केल लेना है, हमको जो सबसे पहला निशान है हमको इसी पर निशान लगाना है, राउंड करना है। कभी भी आपको सीधा नहीं कटिंग करना है, सीधे सील से आपको नहीं कटिंग करना, नहीं तो क्या है कि आस्तीन में झोल आ जाता है। तो यहाँ से आपको इसको इस तरह से पहले मेन वाले पर निशान लगाना है और फिर यहाँ से आपको मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से मार्जिन के लिए निशान लगा लीजिए और यहाँ से आप इसको कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम जो फ्रेंड वाला भाग है इसको थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से, और इस तरह से आप इसको अच्छे से कटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आप एक सूट की कटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आई होप चलते मिलते हैं।